फाइनली गाइज, दूसरा टेस्ट और पहला दिन जहां पे भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया, जहां पे न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लैथम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, और जहां पे दोस्तों न्यूजीलैंड की पारी की शुरुआत हुई कुछ ऐसी जहां पे टॉम लैथम मात्र 15 रन बनाकर अपना विकेट गवा बैठे। लेकिन कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड की तरफ से सर्वाधिक रन बनाने वाले एकमात्र बल्लेबाज डीवॉन कॉनवे, जिन्होंने 76 रनों की जबरदस्त आतिशी पारी खेली और उन्हीं का साथ देते हुए रचिन रविंदर जिन्होंने 65 रन बनाए। तो कहीं ना कहीं मिचेल सैंटनर ने भी एक बार जबरदस्त पारी 33 रनों की पारी खेली, जिसके चलते न्यूजीलैंड की पहली पारी मात्र 79 ओवर में सिमट गई, और ऐसे में न्यूजीलैंड की पहली पारी ने 259 रनों का स्कोर अपने स्कोर बोर्ड पे लगा दिया। जवाब में दोस्तों भारतीय टीम के लिए जब बैटिंग करने के लिए रोहित शर्मा आने वाले थे तो रोहित का हाल एक बार फिर से बेहाल था और कहीं ना कहीं जीरो के स्कोर पे LPW आउट करार दिए गए, और कहीं ना कहीं यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल अभी भी क्रीज पर बने हुए हैं। तो देखते रहिए हमारे साथ में भारत और न्यूजीलैंड के बीच ये पहला टेस्ट।